हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर यह है कि विक्रम फिल्म की तरह लियो फिल्म में भी एक बहुत बड़ा कैमियो देखने को मिलेगा। खबरों की माने तो लोकेश कनराज लियो फिल्म के लिए भी एक इंटेंस कैमियो रोल की प्लानिंग कर रहे हैं। विक्रम फिल्म में सूर्या के कैमियो को तो आप सबने देखा ही होगा। कहीं ना कहीं विक्रम की सफलता के पीछे सूर्या के उस कैमियो रोल का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो डायरेक्टर लोकेश कनगराज उसी फॉर्मूले को लियो फिल्म में भी इस्तेमाल करेंगे। पर सवाल ये है कि आखिर लियो फिल्म में किसका कैमियो होगा। देखो, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन खबरों की माने तो डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने रामचरण और धनुष को उस कैमियो रोल के लिए अप्रोच किया है। जी हाँ, क्या कुछ होगा तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। वैसे अनुराग कश्यप को भी लियो फिल्म में साइन किया गया है, जो इस फिल्म में एक खास रोल में नजर आएंगे। तो आपके हिसाब से लियो फिल्म में किस एक्टर का कैमियो होना चाहिए? लियो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जो 19 अक्टूबर को तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में भी रिलीज होगी। Bloody sweet। दूसरी बड़ी खबर ये है कि शाहरुख खान के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान अब जापान में भी रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, पठान फिल्म की जापान रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ था कि पठान फिल्म रसिया में काफी बड़े लेवल पर रिलीज होगी। रसिया में पठान फिल्म को 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। तो रसिया के बाद पठान फिल्म अब जापान में भी रिलीज होगी। जहाँ रसिया में पठान 13 जुलाई को रिलीज होगी, वहीं जापान में ये फिल्म 1 सितंबर को रिलीज होगी। यहाँ पर आप पठान फिल्म का जापानी पोस्टर भी देख सकते हैं। पठान फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1052 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अब देखना ये होगा कि जापान और रसिया में फिल्म का कलेक्शन कितना होता है। आपके हिसाब से पठान रसिया और जापान में कितना कलेक्शन करेगी? क्या ये फिल्म KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बॉडी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। वरुण धवन की आने वाली फिल्म बवाल का पहला टीजर रिलीज किया गया है। यहाँ इस टीजर में आप वरुण धवन और जानवी कपूर को रोमांटिक अंदाज में देख सकते हैं। देखो, वरुण धवन का लुक तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो टीजर का BGM है वो सॉन्ग मुझे काफी अच्छा लग रहा है। टीजर में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है, तो भाई कुछ तो खास होगा ही। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज कर रहे हैं। ये एक बड़ी फिल्म है जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और वरुण धवन, जानवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिल्म भी ब्लडी डैडी की तरह है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। खैर, देखते हैं बवाल का ट्रेलर कैसा होता है। बवाल फिल्म 21 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। मैंने अपने रिश्ते को समझने में इतना वक्त लगा दिया, जब समझा तो खोने का वक्त आ चुका था। 2024 में बकरीद के मौके पर दो बड़ी फिल्में क्लैश होंगी, कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन और शाहिद कपूर की अनटाइटल फिल्म। चंदू चैंपियन की बात करें तो इस फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ जिंदगी पर बेस्ड होगी। कबीर खान को तो आप सब जानते ही होंगे। काबुल एक्सप्रेस, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी सुपरहिट फिल्मों को कबीर खान ने ही डायरेक्ट किया है। काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन इनकी भी पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हैं। फैंटम, ट्यूबलाइट और 83। तो अब देखना ये होगा कि चंदू चैंपियन फिल्म कैसी होती है। कार्तिक आर्यन फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे और ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होगी। शाहिद कपूर की जो अनटाइटल फिल्म है, उस फिल्म को अनीस बजमी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक एपिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें शाहिद कपूर डबल रोल में नजर आएंगे। तो खबरों की माने तो शाहिद कपूर की ये फिल्म भी 14 जून 2024 को रिलीज होगी। अगर ऐसा होता है तो 14 जून को शाहिद कपूर और कार्तिक आर्यन आमने सामने नजर आएंगे। और कंगना रावत की आने वाली फिल्म तेजस की रिलीज डेट भी कन्फर्म हो गई है। वैसे तो पहले खबर आई थी कि कंगना रावत की ये फिल्म डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, लेकिन अब कहा गया है कि तेजस फिल्म सबसे पहले सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो सवाल ये है कि क्या कंगना रावत की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी? देखो, फिल्म का जरा सा भी बज नहीं है और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन कर पाएगी। और वैसे भी ये फिल्म 20 अक्टूबर को आने वाली है, उसी दिन जिस दिन टाइगर श्रॉफ की गणपत पार्ट 1, विजय किलियो और रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। और ये सभी फिल्में पैन इंडिया आने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रावत की इस फिल्म को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते तो काफी अच्छा होता। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल लोग कंगना रावत की फिल्में नहीं देखते हैं। हम में से काफी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कंगना रावत की पिछले हिट फिल्म कौन सी थी, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उनकी लगातार 9 फिल्में फ्लॉप गई हैं।
और अभी कंगना रावत की इस साल टोटल 3 फिल्में रिलीज होंगी। 15 सितंबर को चंद्रमुखी 2, उसके 35 दिन के बाद तेजस और उसके 34 दिन के बाद इमरजेंसी फिल्म रिलीज होगी। अक्षय कुमार की तरह कंगना रावत को भी पता है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, पर मेरी दुआ है कि कंगना और अक्षय कुमार की आने वाली ये फिल्में काफी अच्छी हों। आप क्या कहना चाहेंगे कंगना रावत की आने वाली फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान और डंकी के नॉन थिएट्रिकल राइट को 480 करोड़ में बेचा गया है। जवान की राइट को 250 करोड़ में और डंकी की राइट को 230 करोड़ में बेचा गया है। तो रिलीज से पहले ही जवान और डंकी ने करीब 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। बैक टू बैक ये शाहरुख खान की तीसरी फिल्म होगी जिसके राइट 200 करोड़ से ज्यादा की प्राइस में बेचे गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती हैं। जवान फिल्म 7 सितंबर को और डंकी 22 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है डंकी की रिलीज डेट चेंज होगी और ये फिल्म समर 2024 में रिलीज होगी। नाम क्या है सर? डंकी। डंकी? डंकी नहीं शाहरुख, डंकी। मैं समझा डंकी। चियान विक्रम की मच अवेटेड फिल्म थंगलान की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया है और बताया है कि 118 दिन से चल रही थंगलान फिल्म की शूटिंग कर 4 जुलाई को खत्म हो गई है। थंगलान एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जो कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर बेस्ड होगी। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में फिल्म से जुड़ी और अपडेट अनाउंस होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर बेनेडिक्ट कैम्बरबेच ने कहा है कि वो अगले साल डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में एक और मार्वल फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। कौन सी फिल्म होगी तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम एमसीयू की किसी एक फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का करेक्टर भी देखने को मिलेगा। जो एवेंजर्स की 2 फिल्में आ रही हैं उसमें तो डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी एक फिल्म होगी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आएंगे। तो देखते हैं वो फिल्म कौन सी होती है। नेटफ्लिक्स की तरफ से एक नई फिल्म अनाउंस हुई है जिसका नाम है दो पत्ती। दो पत्ती एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें काजोल और कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगे। डायरेक्टर का नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इस फिल्म को कृति सेनन और कनिका ढिल्लो प्रोड्यूस करेंगे। कृति सेनन ने भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है और ये फिल्म उस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म होगी। कृति सेनन को तो आप सब जानते ही होंगे। अभी उन्होंने आदि पुरुष फिल्म में काम किया है जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। खैर, दो पत्ती की रिलीज अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म 2024 में ही देखने को मिलेगी। आज नंदमुरी कल्याण राम के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म डेविल का पहला ग्लिम्स रिलीज किया गया है। ये एक पीरियड स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें कल्याण राम ब्रिटिश एजेंट के रोल में नजर आएंगे। तो डेविल फिल्म की कहानी ब्रिटिश टाइम पर बेस्ड होगी। वैसे ग्लिम्स काफी अच्छा लगा, तो अब देखते हैं इसका टीजर ट्रेलर कैसा होता है। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन शायद से ये फिल्म भी 2024 में ही रिलीज होगी। एमसीयू की स्पाई थ्रिलर सीरीज सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3 को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज किया गया है। टोटल 6 एपिसोड में से अभी आप 3 एपिसोड को देख सकते हैं। बाकी के 3 एपिसोड 12, 19 और 25 जुलाई को रिलीज होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी कि 6 जुलाई को प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सालार का टीजर आने वाला है। सालार का टीजर कल 6 जुलाई को सुबह 5:12 पर रिलीज होगा। आप कितना एक्साइटेड हैं सालार फिल्म के टीजर को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।